हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फन विद राधिका। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक गेम जो कि 26 जनवरी के लिए मैंने बनाया है। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, और इसे मैंने 3 कलर्स में बनाया है क्योंकि हमारे तिरंगे में 3 कलर्स होते हैं, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। और उसमें एक सर्कल भी होता है, चक्र होता है, जो वो ब्लू कलर का होता है। तो इस तरीके से मैंने मेन 3 कलर्स लिए हैं और कुछ बैंगल्स मैंने ब्लू कलर की भी इसमें लगाई हुई है। पॉइंट्स का क्या तरीका होगा वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। इसमें मैंने कुछ स्लिप बनाई है, जैसे इसमें जितने भी कलर लगाए हुए हैं, जैसे ग्रीन, व्हाइट और ऑरेंज, मैंने 3 स्लिप बनाई है। और ब्लू जो बैंगल है उसके जो पॉइंट्स होंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे कि उसके पॉइंट किस तरीके से काउंट किए जाएंगे। वो हमारा जो है बोनस पॉइंट है, जो ब्लू कलर की चूड़ी है हमारी वो बोनस पॉइंट है। और इस गेम को खेलना कैसे है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम तीनों स्लिप्स को फोल्ड करके रख लेंगे। ये स्लिप मैंने फोल्ड कर ली है, अब हम इसे इसमें रख देते हैं। हमें इस गेम के लिए चाहिए एक फोक और एक चाहिए हमें डाइस। ये टाइम बेस्ड गेम है फ्रेंड, लेकिन मैं आपको बताती हूँ पहले इसे खेलना कैसे है। जैसे आया मेरा 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5th चूड़ी है मेरी ये। तो मैं इसे इस तरीके से निकालूंगी, और मेरे जब मैं इसे निकाल रही होंगी तो उसमें राइस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर राइस आपका इसके साथ आएगा तो वो आपका पॉइंट जो है एक पॉइंट कट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, मेरा 1 आ गया और मैंने ये ब्लू बैंगल निकाल ली, और मुझे इस तरीके से करके निकालना है जिससे कि कोई भी चावल का दाना इसके साथ ना आए। मैंने इस सारे बैंगल्स को चावल में इस तरीके से टिका दिया है अच्छे से। तो मैं फ्रेंड आपको इसको टाइम में करके दिखाऊंगी कि इसे पूरा का पूरा करना कैसे है। आपको इसी तरीके से कंटिन्यू निकालते जाना है, डाइस चलना है। 1 मिनट तक आप पूरा टाइम है आपके पास, और वो कंटिन्यूएशन में चलना है। और पॉइंट्स किस तरीके से मिलेंगे इसके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट पार्ट है इसका, वो आप पूरा जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको करना कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। जैसे मेरा आया 5, 1, 2, 3, 4, 5, फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू। फ्रेंड्स, मेरे इतने बैंगल्स निकले हैं, टाइम खत्म हो गया है मेरा। लेकिन फ्रेंड देखिए, मेरा एक भी ब्लू बैंगल नहीं निकला है। मेरे बैंगल्स निकले हैं 4 व्हाइट 3 ऑरेंज और 1 ग्रीन। अब इसका पॉइंट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमने स्लिप बनाई थी, इसमें जब हम स्लिप खोलेंगे तो जो भी स्लिप सबसे पहले खुलेगी, जिस भी कलर की स्लिप सबसे पहले खुलेगी उसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे। जैसे व्हाइट, मेरी स्लिप खुली है व्हाइट, तो व्हाइट के मिलेंगे मुझे 3 पॉइंट्स, और व्हाइट ही मेरे बैंगल सबसे ज्यादा थे, 1, 2, 3, 4, तो 3 पॉइंट एक बैंगल का हुआ तो मुझे मिले 12 पॉइंट्स। अब हम दूसरी स्लिप खोलेंगे, इसमें आया ग्रीन, ग्रीन की मेरी एक ही है बैंगल, तो इसके मिलेंगे मुझे 2 पॉइंट्स, तो 12 और 2 हुए 14। अब ये बची हमारी लास्ट स्लिप, यानी ये होगा ऑरेंज, और ये 1 पॉइंट से चलेगा, 1, 2, 3, तो 14 हो गए मेरे, और 14 और 3 हो गए मेरे 17, तो मेरे टोटल पॉइंट हुए 17। लेकिन अगर मेरे बैंगल्स निकालते समय कोई भी अगर चावल का दाना साथ में निकल जाता तो वो पॉइंट आपके माइनस हो जाते, और अगर आपके कोई ब्लू बैंगल साथ में निकल आती तो उसका जो ब्लू बैंगल्स के पॉइंट होते वो होते बोनस पॉइंट, यानी उसके पॉइंट होते 5 पॉइंट्स। तो अगर कोई भी अगर मेरी ब्लू बैंगल निकलती तो उसमें मेरे 5 पॉइंट्स एडिड हो जाते। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 सभी पार्टिसिपेंट खेलने आएंगे, और जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही इस गेम का विनर होगा।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये गेम? अगर आपको मेरा ये गेम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इसे मैंने तिरंगा थीम के लिए बनाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी भी थीम पे बना सकते हैं, विदाउट थीम बना सकते हैं। मैंने 3 कलर के बैंगल्स रखे थे, आप 2 कलर के बैंगल्स या 4 कलर के बैंगल्स से भी इस गेम को कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरा ये गेम? अगर आपको मेरा ये गेम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।